जी, और आज हमारे साथ है बहुत ही हैंडसम रैपर जो काफी हटके हैं और आज दे रहे हैं सबको फटके। सो सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी फटके के बारे में। फटके मेरा नया गाना है। हाँ। ये इसके बारे में कि जो रस्तों पे लड़के एड़े चाले करते और लड़कियां पटाते सटाते उनकी हटाते, उनको मैं दे रहा हूँ फटके। और जो लड़के आजकल इंटरनेट में ज़्यादा व्यस्त हो गए, पबजी खेल रहे, ये करे वो करे, टाइम पास करे, अपने माता पिता को टाइम नहीं दे रहे, उनको मैं दे रहा हूँ फटके। जो अपनी वाइफ किल कर रहे, मुझे सता रहे, मुझे परेशान कर रहे, उनको मैं दे रहा हूँ फटके। तो बेसिकली गाना उस बारे में कि अपने काम से काम करो और सही काम करो, गलत काम करोगे तो खाओगे तुम फटके, निजी दवा के हाथ से करारे फटके। आपने गली बॉय में एक रैपर का स्टेटस सेट कर दिया है बहुत ऊपर, और आपकी लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आए गली बॉय के बाद? गली बॉय के बाद थोड़ा बहुत चेंजेस आए, मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत चेंजेस आए और मेरे करियर में भी बहुत चेंजेस आए, लेकिन उतने ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। अगर देखा जाए तो जैसा फेम था वैसा ही, जो हमें एक आदत हो गई थी रिकग्निशन में रहने की, लोगों रोड पे जाते थे लोग जानते थे हमें, इधर जाते हर जगह लोग जानते थे, तो वही थोड़ा बढ़ गया है अभी। तो उसको थोड़ा नेगेटिव वे में भी जा रहा है, पॉजिटिव वे में भी जा रहा है। कभी हमारे पर्सनल स्पेस इन्वेड हो जाती है कि हमको रहने नहीं मिलता है, हमें करने नहीं मिलता जो करना है, कभी अच्छा लगता है कि इतने सारे लोग हमें जान रहे, तो लाइफ थोड़ी चेंज हुई है। और करियर वाइज अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई है कि नए नए ब्रांड्स अभी इंटरेस्टेड है हमारे में, तो अब अच्छा लग रहा है। तो साथ ही साथ बोलते हैं ना, सब अच्छी चीज़ों के साथ बुराइयाँ भी आती है, तो वैसे दोनों का एक बैलेंस बनाकर चल रहे लाइफ में, अब देखते हैं आगे क्या होता है। आपका सॉन्ग वहम भी आया है, उसके बारे में कुछ बताइए। वहम इस बारे में था कि जो मेरी पर्सनल लाइफ दिखाई गई है गली बॉय में, कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा होता है और मेरी दो गर्लफ्रेंड होती है, मेरे मॉम की दो शादियां होती है, ये सब झूठ दिखाया गया, फिक्शनलाइज दिखाया गया, और लोगों को लग रहा है कि सच में ये सब मेरे ज़िंदगी में हो रहा है। तो वो उस सब का वहम था, लोगों को मिसकंसेप्शन था और रियलिटी से बहुत दूर थे, इसलिए मैंने वो गाना बनाया था वहम। और वहम उस बारे में था कि आप लोग रियलिटी से दूर हो, आप लोगों को वहम हो गया है और सच्चाई जान लो, सच्चाई कुछ और है। आपका सॉन्ग एक और आया था रुकता नहीं, उसके बारे में कुछ बताइए कि रुकता ना रुकता ना इस बारे में था कि मेरे लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे जिसकी वजह से मुझे रुकना पड़ा था, लेकिन अब मैंने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया हो फ्रॉम दैट सॉन्ग रुकता ना, कि अब मैं रुकने नहीं वाला हूँ, कि चाहे कितने भी बड़े ऑब्स्टिकल्स आए, चाहे कुछ भी हो लाइफ में, मैं अपने करियर को इसी स्पेस में रखने वाला हूँ और मैं बैक टू बैक रिलीजेस करने वाला हूँ और मैं रुकने नहीं वाला हूँ। तो रुकता ना उस बारे में था, और ये आइडिया मुझे आया था जब मैं यूके ट्रैवल कर रहा था और मुझे कुछ तो एक ऑब्स्टिकल बीच में आया और फिर मैंने डिसीजन ऐसा लिया जिसकी वजह से मैं अगले रिलीज पे सीधा क्लाइम करने लगा। तो उस वक्त मुझे एक क्रिएटिव आइडिया आया था कि मैं एक गाना बनाऊं इस बारे में कि मैं रुकने नहीं वाला, ताकि उसको देख के लोग भी सोचे कि मैं भी नहीं रुकने वाला, लोगों को भी ऐसा लगे कि मैं इसको देख रहा हूँ, अब ये लड़का नहीं रुक रहा है, इसने लिरिक्स में ऐसा बोल दिया तो मैं भी ना रुकूं अपने लाइफ में, ऐसा लोगों को मोटिवेट करने के लिए भी वो गाना बनाया गया था रुकता ना। आप विदेशों में भी परफॉर्म कर चुके हैं जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, सबसे पहले कहाँ परफॉर्म? सबसे पहले मैंने यूनाइटेड किंगडम में परफॉर्म किया था, एल्कमी करके एक फेस्टिवल था जिसकी वजह से मुझे वहाँ बुलाया गया था, लंदन में मैंने परफॉर्म किया था। तो अंग्रेजियों पे मेरी पहले से हटी हुई थी कि इन लोग ने अपने को रूल करके गया इतने साल, तो मैंने जब परफॉर्म किया तो उन्होंने अच्छी तरह से रिसीव किया, मेरी भाषा नहीं समझ रहे थे लेकिन मेरे जज्बात, मेरे इमोशन समझ पा रहे थे। तो जैसे ब्रिटिशर्स ने रिसीव किया उस चीज़ को, तो मेरे को मज़ा आया बहुत और मोटिवेशन मिला, उनके रेडियो पे जाके मचा के आया, उनके रेडियो पे जाके उनको एडिस कर रहा हूँ कि गोरे यहाँ सारे लोग भूखे, यूके यहाँ सारे लोग भूखे, ये वो ऐसे ऐसे मैं उनको बोल रहा हूँ। तो मैं एक फ़न जोन में मैं वो करा 2017 में जब मेरा पहला इंटरनेशनल परफॉर्मेंस हुआ, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, जापान 2019 ये साल हुआ, तो ये सब जगह मुझे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करने बहुत मज़ा आता है और बहुत दिल से खुशी होती है और ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ सही कर रहा हूँ। कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑडियंस का और आपके? ऑडियंस का बहुत अच्छा रिसेप्शन रहा, जिस तरह से उन्होंने मुझे रिसीव किया है, जो मेरे कोर फैंस थे वो, मैं आधा स्टेज पे गाना खुद गा रहा हूँ, मेरा आधा गाना वो गा रहे, तो मेरे को पूरा गाना गाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और ये देख के मुझे, मैं बहुत आश्चर्यचकित था कि इतना अच्छा रिसेप्शन मिल रहा है मुझे ऑस्ट्रेलिया में, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेलबर्न और सिडनी दो शहर में परफॉर्म किया, कुछ लोगों से मिला जो सेम मेरे जैसे लोग थे, बम्बई से गए हुए लोग थे,
और कुछ लोग इंडिया से गए हुए थे जो परदेश में रह रहे थे, उनसे बातचीत हुई, वहाँ पर लाइफ बहुत टफ है, तो उस बारे में हमने बातचीत करा और बहुत अच्छा रहा मेरा इंटरनेशनल टूर। कोई ऐसा मोमेंट जो शेयर करना चाहे जो कभी नहीं भूल सकते हैं आप? वही जो लड़का मुझे मिला था वो भी एक भंटाई था और वो बम्बई से गया हुआ था, वो वहाँ पर आके मुझे ये भाषा में बात कर रहा, मेरे को बोलता क्या बोल रहे बच्ची, और मैं जब से सुन रहा हूँ ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश लैंग्वेज इधर इधर उधर से, अचानक से आके कोई लड़का बोलता है क्या बोल रहे बच्ची, तो मैं हिल गया। मैं उसको देख के बोला भाई तुम इधर क्या कर रहे हो, फिर मुझे खुशी, मैंने उसको बोला ऐसे ही रिप्रेजेंट करो, जहाँ भी जा रहे हो तुम अपने कल्चर को लेके जाओ, अपनी तहजीब को लेके जाओ और अच्छे से रहो, प्यार बांटो लोगों में। आप दिल्ली वर्सेस मुंबई भी ये सॉन्ग्स ला चुके हैं, उसके बारे में कुछ बताइए कि कैसा दिल्ली रहा? वर्सेस बॉम्बे एक हमारा हेल्दी मजाक मस्ती चलता है, कंपटीशन चलता है, तो उसके बारे में मैंने एक सॉन्ग बनाया था जो काफ़ी फन जोन में था, और ऐसे कोई हार्श फीलिंग्स नहीं है मुझे दिल्ली के कल्चर से या वहाँ के लोग से, लेकिन उनको भी ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है, वो भी बहुत अच्छे से मुझे मानते हैं, मैं भी उनको अच्छे से मानता हूँ जानता हूँ, और हमारे बीच में अच्छा कॉम्पिटिशन है, और उस बारे में ये गाना बना था कि हम मजाक मस्ती कर रहे थे कि तेरे पास ये है तो मेरे पास ये है, मेरे पास वो है तो तेरे पास वो है, तो हम ऐसे मजाक मस्ती में वो गाना बना था यशराज फिल्म्स के लिए। मुंबई से दिल्ली क्या कुछ अलग लगा आपको मुझे बहुत कुछ से? अलग लगा, भाषा अलग है, हाँ कल्चर अलग है, रीति रिवाज अलग है, रहने सहने का खाना अलग है, और वहाँ के लोग बहुत हेल्दी है, और वहाँ के लोग बहुत दिल से अच्छे अमीर लोग हैं, और मुझे बहुत मज़ा आता है वहाँ जाने, तो उनको भी वहाँ यहाँ आने मज़ा आता है, हमारे बीच में हम अच्छा एक शेयर करते हैं रिश्ता। ओके, आप बहुत पॉजिटिव हैं, सो आपके रोल मॉडल कौन है इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी। मेरे रोल मॉडल मेरे ग्रैंड मॉम है, मेरी ग्रैंड फादर है, घर में अगर देखा जाए तो मेरी मॉम है, इन लोग सबसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, इन्होंने लाइफ में इतना कुछ देखा है लेकिन फिर भी आज टिके हुए हैं और आज 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 भी संघर्ष में लगे हुए, तो इन सबसे मुझे बहुत सीखने मिलता है। बाकी मुझे रैपर्स में रोल मॉडल मेरे ज़्यादातर जो है वो गुजर चुके हैं इस दुनिया से, जैसे बिग एल हो गया, तुपाक हो गया, बिगी हो गया, बिगी स्मॉल्स हो गया, ये सब दुनिया से गुजर चुके हैं, बिग पन हो गया, लेकिन उनके जो कहानियाँ थी वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करती है लाइफ में। डिवाइन के साथ काफी अच्छा बॉन्डिंग है, सो उनके साथ कभी आप दोनों साथ में नजर आने वाले? जी बिल्कुल, हम लोग हो सकता है आगे आने वाले सालों में हम साथ में नजर आए, हमारी ये बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, हम भाई है और हम कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटर्स भी है एक दूसरे के, तो हमें बहुत मज़ा आ रहा है अभी एक दूसरे के साथ काम करने में, बहुत जल्दी हम काम करेंगे। आप इंटरनेशनल लेवल पे भी काम कर चुके हैं, सो उनके साथ कैसा बॉन्डिंग रहता है इंटरनेशनल नए रैपर के साथ इंटरनेशनल रैपर्स के साथ ऐसे बहुत अच्छा लेवल पे? बॉन्डिंग रहता है, हाँ वो अपनी भाषा में मुझे डिस करते हैं, मैं अपनी भाषा में उनको डिस करता हूँ, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है लेकिन हमें हमारे बीच में अच्छा एक एक बॉन्डिंग बना हुआ है। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे, मेरा और किस टाइम अपकमिंग पे आ प्रोजेक्ट्स सकता है? मेरा एल्बम आने वाला है जल्दी, एल्बम रिलीज होगा और वो उसमें मैं अलग अलग ब्रांचेस को टच कर रहा हूँ, हिप हॉप के जैसे लव हो गया और सॉफ्टनेस हो गया और जैसे हार्डकोर का अपोजिट होता है वो वैसे टाइप के जोन में मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ, तो मेरा एल्बम आने वाला है बहुत जल्दी। और दो लाइन आपका कोई भी रैप हो जाए। पैदा हुआ पला बड़ा हटेली इलाके में, यहाँ सबको करनी थी हटेली हर नाके पे, सबसे हटकर सबसे कट्टर, मुंह खोला तो सर पर पत्ता, सबसे खतरनाक बम्बई 70 बॉय। ओके, लास्टली आप अपने फैंस ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? फैंस ऑडियंस को बहुत प्यार, निजी दबा, बम्बई नंबर 70 से रिप्रेजेंट ऑलवेज लव, और मचाओ मचाते रहो, अपन भी मचाते रहेंगे, क्या। थैंक यू सो थैंक मच यू, लास्ट थैंक्स अ लॉट। वर्ड।